बीती रात लगभग 3 बजे अवैध रूप से सागौन काटकर परिवहन करते हुए पिकअप वाहन वन विभाग के कक्ष क्रमांक 1204 के पास रंगे हाथों वन विभाग की टीम पकड़ने में सफलता हासिल की है। इस कार्रवाई के दौरान ड्राइवर सहित लकड़ी तस्कर गाड़ी छोड़कर मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। वहीं इस मामले में वन परिक्षेत्र अधिकारी विजय साहू ने बताया कि हम लगातार रात्रि में गश्त कर रहे हैं। इस बीच मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग सागौन काट रहे हैं। मुखबिर के सूचना अनुसार उक्त स्थल पर अपने स्टाफ के साथ दबिश्ती, जैसे ही हमने दबिश्ती तत्काल वहां से सागौन के तस्कर भाग निकले। हमें एक पिकअप वाहन के साथ 17 नग सागौन की लकड़ी बरामद हुई है। लकड़ी की कीमत 1 लाख और पिकअप की कीमत 2 लाख रुपए आंकी गई है। रात में दिनांक 7 तारीख को, 7 को रात्रि में मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा अवैध कटाई कर परिवहन करने का प्लान किया जा रहा है। तब हमारे बिलगहना के स्टाफ के द्वारा मुखबिर के बताए स्थल पर रैकिंग करके पकड़ने का प्लान किया गया। सुबह लगभग 3 से 3:30 बजे के आसपास कुछ संदिग्ध व्यक्ति दिखे, जिनका पीछा करने पर व्यक्ति तो अंधेरे में भाग गए, परंतु एक पिकअप दिखाई दिया। पिकअप का पीछा करने पर पिकअप को गाड़ी ड्राइवर लेकर भागने लगा, परंतु उसको पीछा करने पर कुछ दूर जा करके गाड़ी को छोड़कर गाड़ी का चाबी निकाल कर अपने साथियों के साथ रात के अंधेरे में फरार हो गया। मौके पर पहुंचकर हमारे स्टाफ के द्वारा बेलगहना से रवि राज रजक की रिपोर्ट।